और इस बारन सिक्स रैंक तो लाए ही है साथ में इनके साथ इंपॉर्टेंट बात मैंने इनसे बात करते हुए घर से ही अपनी तैयारी की तो वहां भी कुछ जानना चाहेंगे से कि कैसे तैयारी की वेलकम टू टू नेक्स्ट आई एम वेरी हैप्पी सी यू हियर थैंक्स अ लॉट सर पहले मैं घर के तैयारी पे थोड़ा टच करना चाहूंगा एस्पिरेंट्स को डाउट रहता है कि भाई दिल्ली जाकर तैयारी करें या फिर घर से रहकर तैयारी करें क्योंकि दिल्ली में ऑब्वियसली एक प्रिपरेशन uh, का एटमॉस्फेयर मिलता है पीयर ग्रुप मिलता है पर मुझे लगता है कि कुछ कुछ इंस्टेंसेस में काउंटर प्रोडक्टिव भी हो सकता है hmm. क्योंकि हम हर टाइम 24/7 बस हमारे दिमाग में यूपीएससी चल रहा है व्हिच आई डोंट थिंक इज गुड वी शुड टेक सम टाइम फॉर आवर सेल्फ एज वेल अ फ्यू आवर्स वेयर वी पर्स्यू आवर हॉबीज वे हर टेक सम साइकोलॉजिकल सपोर्ट फ्रॉम आर फ्रेंड्स एज वेल तो साइकोलॉजिकल सपोर्ट वाला पॉइंट uh, मेरे सबसे इंपॉर्टेंटेंटेंटेंटेंट था बिंग विद माई फैमिली एट माई होम देव मैं कॉन्स्टेंटेंट साइकोलॉजिक सपोर्ट जब भी बर्नआउट होता था या कोई भी ऐसा लगता था कि भाई बहुत ज्यादा ओवरवेमिंग हो गई प्रिप्रेशन एट द बिफोर मीस और बिफोर इंटरव्यू तो मैं हमेशा उससे बात कर लेता था और पंद्रह बीस मिनट में मुझे बहुत अच्छा लगता था एंड आई पर्सनली फील दैट फेस टू फेस स्टॉक कैन नॉट रिप्लेस वट एवर यू फील लाइक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ऑनलाइन कॉल और टेलीफोनिक कॉल को रिप्लेस नहीं कर सकते तो ये मेरे साइकोलॉजिकल सपोर्ट वॉज अ बिगेस्ट मोटिवेटिंग फैक्टर फॉर मी टू प्रिपेयर फॉर होम मोर ओवर आई फील दैट विदेट्रेशन ऑफ ऑनलाइन कोचिंग कोई भी अपने घर से बैठे एक्सेस कर सकता है चाहे वो कोई भी स्टूडेंट किसी भी फार फ्लग एरिया में वो ऑनलाइन रिसोर्स के थ्रू सब कुछ एक्सेस कर सकता है जो भी इंटरनेट पर अवेलेबल है चाहे वो क्लासेस और डाउट्स भी सोल्व कर सकते हैं बहुत ही इफिशियंटली सो विद दिस डिजिटल रिवोल्यूशन आफ्टर ट्वेंटी फिफ्टीन आई फील दट प्रिपेरिंग फ्रॉ होम इज ऑल्सो अ वेरी वायबल ऑप्शन ऐसा नहीं लगता मोनोटोनस सेम स्क्रीन देर इज नो टीचर फेस टू फेस आगे स्क्रीन है सेम ब्लू स्क्रीन आप देख रहे हो बस टूटी थीटल बोरेटली रहेंगे ऑनलाइन के बट आई वॉज विलिंग टू सेम Right. We have to take that call that either we want to, because I am a fan of physical interface. When I prepared for IIT in my class 12, I used to attend physical classes. So I feel that they cannot replace me, but the UPSC journey is so arduous and so long. We have to endure ourselves, even if we are getting selected, we have to endure ourselves for a complete year. True. And with the uncertainty that my name may not be in the final list itself when the result arrives. So that uh, in the atmosphere of that uncertainty, uncertainty I think the family really helps. No, you said like it's a long journey fine in this long journey what happens? you have your highs, you have your lows, take care. highs everybody can manage. Yes the lows. Yes. I'm sure there'll be some area where some point of time during preparation you must have felt a little low you must have started having these self-doubts Ki yar, I be, I was working in Bangalore, ke uh, you start thinking that right the self-doubts so how did you manage that?

ज डू कन्फ आई कन्विज आई स्टेड अर्ली आई स्टार्ट राइट फ्रॉम माइ फाइनल इन टू थाउजेंड ट्वेंटी माई जॉब आई वॉज ऑलरेडी वेरी कम्फर्टेबल विद जी एस

तो उसमें क्लियर भी हो जाता है दैट हाउ डीपली यू कैन manage that syllabus or not जब आपने पूरा सिलेबस पढ़ लिया यू हैव वेरी गुड आईडिया ऑफ व्हाट यू आर इनटू व्हाट यू आर गोइंग टू स्टडी थ्रू आउट वन और टू ईयर ऑफ योर यूपीएससी जर्नी और मे बी मोर सो यू हैव वेरी डिसेंट आइडिया और वेदर शूट यू शूड लीव योर जॉब और नॉट कई लोग ऐसा करते हैं जॉब छोड़ने के बाद यूपीएससी का सिलबसिनियन दैट इज थिंग बिकॉज उनको देन रिवर्टिंग बैक बिकम्स बिग टास्क आफ्टर एटलीस्ट कंप्लीटिंग 30 टू 40 परसेंट सिलेबस आई थिंक देन वन शुड मेक दॉल वेद देव टू रिजाइन फ्रॉम जॉब नॉट वन थिंग इंटरेस्टिंग एंड शिवांश सर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सर एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शन So what tempted you to get into anthropology? Uh, so my choice was purely on the basis of uh, the fact that the option has been scoring for the past few years. And uh, when I researched a bit on Google and YouTube, I found that this is one of the smallest optionals. Oh, smallest optionals? Yes, in Seriously? terms of these labels. In okay. terms of these labels, yes.

तो इन सब चीजों को देखते हुए मैंने कॉल लिया आई विल टेक ऑप्शनल ओवर इलेक्ट्रिकल ऑप्शनल एंड आई स्टार्टेड स्टडिंग अबाउट ऑप्शनल राइट ड्यूरिंग माय बैंगलोर टाइम आई वाज इन बैगलॉ और मुझे इंटरेस्टिंग मिल गए इसलिए मैंने मतलब एज अ पार्ट ऑफ माय प्रिपरेशन आई द सेपियंस बुक आई फाउंड इट रियली इनसाइटफुल आई फाउंड इट रियली इंटरेस्टिंग टू रीड

It is just not for me that these options are there, one correct Okay, this for everyone. So I I just uh, made made up my mind that I will give my best attempt, no matter what will happen. Right. And I already had a strategy in place to aggressively attempt the prelims exam. Or through the PC Vanshman. So you were doing a corporate job. What affected you? Just say saying that you thought that no civil services is my calling. actually, Matlab, I like really like the profile of a civil servant, the impact they make on the lives of people. Uh,

Right. So that's why I did, decided to gain some exposure of professional world in the form of corporate world. And after right. that, I quit my job and prepared for civil service services. Right. All right. One of the things like almost every aspirant has in mind sources. Kya padin. Now everybody has the same conventional sources, same books, history bolo, polity bolo, same books. What was it different that you picked up? I mean, did you do something else? What I mean, either conventional sources? Did you do some value addition? What was it?

रीडिंग ओनली वन सोर्स एंड रिवाइजिंग इट अगेन एंड अगेन ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी एक सोर्स में सोर्स रिकमेंड नहीं कर सकता जिससे कि फॉर इंसेंस पॉलिटिकले वेरी गुड बुक बट आई कैन नॉट से लक्ष्मीकांत में से ही सारे थर्टीन क्वेश्चन आए लक्ष्मीकांत में ही आए ऐसा हो ही नहीं सकता बट इज अ गुड चांस कि इफ द मेजोरिटी ऑफ सीरियस एस्पेरेंट्स आर अटेप्टिंग करेक्टलीन यू विल ऑलसो गेक्टली इफ यू पिक वन करेट सोर्स

ियन बिकॉज मेक दैटरेशन वैल्यू एडिशन इन योर कन्वेंस वन स्टैंडर्ड बुक ऑन वन नोट इज वाइन बट डो रिवर्स लर्निंग फ्रामेस्ट बोथ इन फिल्म इन मे और थोड़ा और पीछे लेके जाऊंगा कॉलेज के साथ प्रिपरेशन जब कर रहे थे तो दोनों चीजें कैसे मैनेज करते थे वहाँ पे आई फिल्ट की वहां पड़ा मुझे क्योंकि उस टाइम प्लेसमेंट्स हुए थे ऑफ ऑफ एवरी फ्रेंड वेरी हैप्पी कोई कहीं जा रहा है कोई कहीं जा रहा है दे वर ऑल वेरी हैप्पी बट आई फोकस्ड मतलब तब तक मेरा मन बन चुका था कि आई हैव टू प्रिपेयर फॉर द सिविल सर्विस एग्जाम सो येस इट कॉल फॉर अ सेक्रीफाइस बट आई वॉज विलिंग टू मेक दैट सेफाइस तो और उसमें मतलब स्टडीज के साथ थोड़ा बैलेंस भी करना पड़ा मुझे बिकॉज इन मॉर्निंग आई वॉज स्टडिंग फॉर माई प्रोजेक्ट फॉर माई सब्जेक्ट्स एंड इन द इवनिंग आई वॉज स्टडिंग फॉर द एग्जाम इसलिए मैंने थोड़ा स्टार्ट अर्ली स्टार्ट भी किया था कि मुझे मतलब दो तीन घंटे मिलेंगे इवन इन माई कॉलेज एंड इन माई जॉब एज वेल आई वॉज ओनली एबल टू गेट थ्री टू फोर आवर्स इन वीक डेज इसलिए मैंने अर्ली स्टार्ट किया था कि मैं कन्वीनियंटली सिलेबस कंप्लीट कर सकूँ फॉर ट्वेंटी और जॉब के साथ भी ऐसी जॉब प्रिपरेशन यस इसलिए मतलब स्टार्ट अर्ली करने का एक मेन रीजन ये भी था बिकॉज मुझे पता था कि आई एम गोइंग टू द कॉर्पोरेट दॉब एटलीस्ट फॉर सिक्स मंथ्स और इवन फॉर मोर तो मुझे पता था कि मुझे वहां भी टाइम की थोड़ी क्राइसिस होगी और मैं अगर सब अभी उसी पर डंप कर दूं अगर मैं अभी कोई पढ़ाई ना करूं तो वहां पे मुझे इशू होगा फिर ट्वेंटी थ्री नॉट बी माई बेस्ट अटेम्प्ट वो मेरे दिमाग में थी एंड आई इंटरेस्टिंग क्वेश्चन नॉर्मली मोर ऑल द मोर ट्रिकी बिकॉज हाउ डिड यू मैनेज दैट वॉट इज द लाइक आंसर राइटिंग कब से शुरू करें मेन स्पेसिफिक Because there are a lot of different narratives that go around. Some say we have to start immediately. Some will say 40% syllabus karke then you start writing answers. Some will say you finish the syllabus, then you start writing the answers. So what's your take? How did you manage that? Uh, in my opinion, when we a decent level of uh, comfort on comfort ja a subject, sir, like 30 to 40% syllabus lete then we idea of what that subject is all about. And then we get confidence that maybe we can write something because writing is altogether a different game than choosing one option from the uh, four options.

हाँ और फिर एक एक मतलब स्टेप बाय स्टेप पहले स्ट्रक्चर करना है फिर धीरे धीरे ट्राई करना है क्योंकि जब मैंने पहला आंसर लिखा था है, remember vividly कि रिमेम्बरली फाइव मिनट्स लगे थे पहले आंसर लिखने में अटेन मार्क कर वो भी बहुत ही मतलब हैफ सार्ट लिखा था पूरा फॉर्मेट में बड़ा सा आंसर लिखा था बहुत ही मतलब गंदा आंसर लिखा था तो उसके लिए मेरा एडवाइस ये डिसार्टन बिल्कुल भी नहीं होना है

एक्चुअली आई रोटोटल ऑफ फाइव एस एस फ्रॉम एंड टू एंड बिफोर माई दिस वन हंड्रेड इलेवन मार्क्स इन माई एस ए मैंने ऐसे के लिए मैंने सिंपल स्ट्रेटजी अपनाई थी बिकॉज आई हैड अ टाइम कंस्टेंट तो मैं ज्यादा ऐसे एंड टू एंड नहीं सकता था तो ऐसे के लिए मैं सिंपल स्ट्रेटजी आई यूज टू पिकअपी वाई को क्वेश्चन और बस उसका स्ट्रक्चर बनाकर देख लेता था वो एक्साइज में असली एग्जाम में भी करनी पड़ती है यू हैव टू टेक टेन टू फिफ्टी मिनट्स और आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है तो अगर मुझे लगा कि अगर मैं स्ट्रक्चर को एफिशिएंटली बनाना सीख लूं, देन राइटिंग बिकम्स वेरी वेरी इजी बीइंग फ्रॉम अ टेक्निकल बैकग्राउंड इनिशियली बहुत टेरीफाइंग लगता था मुझे दैट्स व्हाई आई एंड यू कैन लेफ्ट आउट आल्सो लेट तो हाँ. क्या कहते हैं मतलब एक पेज से ज्यादा कभी आंसर लिखे ही नहीं थे इंजीनियरिंग के अपने कॉलेज के टाइम में तो आई वाज एब्सोल्युटली टेरीफाइड बट जब मैंने 10 से 12 स्ट्रक्चर्स लिखे देन आई स्टार्टेड फीलिंग कंफर्टेबल क्योंकि नॉलेज बेसड तो वही रहेगा नॉलेज हाँ. बेस्ड तो वही तो रहेगा जो प्रीलिम्स के पहले गेन किया और जब जीएस 1 2 3 अपने ऑप्शनल पढ़े मैं अपने ऑप्शनल की नॉलेज भी ऐसे में यूज ये थोड़ी बहुत hmm. तो आपका कंटेंट वही रहेगा बस आपको उसको एक 10 11 पेज के एссе में कैसे कंस्टिट्यूट करना है वो आपको सीखना पड़ेगा तो उसके लिए डेफिनेटली कुछ ऐसे तो आपको फुल लिखने पड़ेंगे बट mm -hmm. तो मुझे लगता है ओवरडू करने की जरूरत वहां पे भी नहीं है इफ यू आर राइटिंग फाइव टू सिक्स एंड टू एंड एसेज़ इन 3 आवर्स टू एट अ टाइम दैट इज फाइन उसके अलावा आप 10 टू 12 स्ट्रक्चर्स बना रहे हो तो उससे आपको काफी अच्छा आईडिया लग जाएगा बेसिकली योर स्ट्रेटजी वाज क्रिएट अ स्ट्रक्चर पीवाईक्यूज देखो क्रिएट अ स्ट्रक्चर सो दैट मेंटली यू हैव अ प्लान दैट ओके मुझे इसी स्ट्रक्चर में सब कुछ लिख के आना है It's a nice way to go about it also. Haan. And I have focused more on the philosophical topics. Because okay. I UPS, UPSC has shifted the trend from uh, very conceptual or very static topics to philosophical topics. So my focus, bhi, although it was not my comfort zone, but if UPSC gives me philosophical topics then what will I do? Hmm. So even though it was not my comfort zone, I was ready to delve deep into it.

से किसी को स्टार्ट करना है एंड दे आर नॉट कंफर्टेबल इन फुल डाइविंग इनटू द यूपीएससी प्रिपरेशन फुल फुल्लेजली तो मेरी बस एक एडवाइस रहेगी कि न्यूजपेपर रीडिंग टाइम को थ्री आवर्स से वन आवर में लेके आए hmm. और उसके लिए आपको कुछ की एरियाज पे फोकस करना है एंड एज यू गो ऑन अबाउट प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी को धीरे धीरे बेटर आइडिया लगता है कि व्हाट न्यूज टू लीव एंड व्हाट न्यूज टू रीड ियल सिलेबस से कनेक्ट हाँ, करते हैं कि news, PYK, आपको होता है कि भाई इस टॉपिक से तो पूछता ही नहीं है इस टाइप की है यूपीएस इज ओनली इंटरेस्ट इन वेरी स्पेसिफिक टाइप ऑफ न्यूज तो वो हम धीरे धीरे पिक करना सीख जाते हैं ड्यू कोर्स ऑफ तो मेरी एडवाइस उनको ये रहती है की जो अभी हम स्टार्ट कैसे करें पहली चीज क्या करें आई टेल देम स्टार्ट विद पिक वन न्यूज पेपर आई दूर न्यूज पेपर फॉर दैट मैटर एंड ट्राई टू रिड्यूज दर्स दिन यू विल रीड इफ यू हैव नो रीडिंग हैबिट इट विल रिक्वायर सम टू एंड हाफ टू थ्री आवर्स टू रीड द एंटायर न्यूज पेपर पर उसको मुझे वन आवर में लेके आना है सो द बेस्ट थिंग यू कैन डू अपार्ट फ्रॉम फुलविंग आप उसको एक घंटे में रिड्यूस कर लें तो जब अपनी स्टार्ट करें तो बहुत हो जाएगी आप न्यूजपेपर को सिर्फ एक घंटे की बाकी चीजें गुड वे टू डू इट ऑल्सो लाइक यू स्टार्ट on newspapers मोरओवर मोर द इंफॉर्मेशन मैं एस्पेस एम्फसाइज करना चाहूंगा कि उससे अपनी रीडिंग एबिलिटी को बढ़ाएं। है बिकॉज़ सीसेट पेपर इज गेटिंग टफर डे बाय डे हां इट हेल्प्स योर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आल्सो यू गेट बेटर विद द कॉम्प्रिहेंशन एंड इट हेल्प्स यू अलोंग विद बोथ इन प्रीलिम्स एज वेल एज इन मेंस मैं तो एक बात और कहता हूं कि न्यूज़पेपर को धीरे-धीरे एंटरटेनमेंट बना लो हां कि स्ट्रेस बस्टर जो होता है मेक इट एक्सरसाइज लाइक गिव गिव योरसेल्फ अ टास्क कि इफ आई एम रीडिंग अ एडिटोरियल लेट्स से इन 15 टू 20 मिनट्स इन 5 मिनट्स आई विल क्लोज माय आईज एंड ट्राई टू रिकॉल ईच एंड एवरीथिंग दैट वाज रिटन इन दैट एडिटोरियल तो उससे मेरी कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी बढ़ेगी बिकॉज जो आपका सी साइड पेपर हो गया इवन इन एथिक्स इन केस स्टडीज यू विल नॉट गेट अ सेकंड चांस टू रीड दैट केस स्टडी और दैट कॉम्प्रिहेंशन आफ्टर रीडिंग इट फॉर वन टाइम यू हैव टू टेक द कॉल व्हिच इज द राइट आंसर ऑफ व्हाट यू हैव टू राइट so i think it helps a lot in improving your reading uh, capability capability and, and also. comprehension also prelims ke baad kitna break dena chahiye kyunki bahut logon ko main dekhta hu prelims ke baad lamba break le lete hai which i don't support generally hmm. so what is what i took I honestly good? i took a two days break after prelims right. and uh, right before even uh, before my results i started preparing my optional

आप एक दो दिन का ब्रेक ले लो तो बहुत बर्न आउट हो गया प्रिलम्स के ठीक पहले वी यूज़ टू गिव लाइक 12 टू 13 आवर्स तो दो दिन दो दिन ले लो उसके बाद यू जस्ट डेल राइट इनटू इट जैसे जैसे भी तो मोमेंटम तो बनता है और तो तो जो फर्स्ट ईयर यू आर नॉट स्टडीिंग लाइक दैट ऑफिस इनकम से हम राइटिंग पे स्टार्ट नहीं करते एंड इवेंचुअली हैव टू गेट एट दैट स्टेज कि आप एग्जाम से एटलीस्ट 2 वीक्स पेला फुल लेंथ लिख रहे हो बी 6 आवर्स एक दिन में दो टेस्ट लिख रहे हो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अदरवाइज इट विल बी इट विल बी वेरी एग्जॉस्टिंग इग्नोर दिस एस्पेक्ट Because this is something which actually tires you out also. Ah. By the time you come to last paper, there are ethics paper, you're yes. mentally exhausted yes. also. Yes. So, when you practice like that, that's a good thing. I mean, that's a good yes. point which you have suggested. Yes. But my opinion is full length test. I have attempted uh, two sets of full length tests like two tests for GS1, 2, 3, and 4. And in second test, I tried to uh, uh, attend the test as per the schedule of the UPSC. Like essay on day one, on I think 25th of August, I attempted essay. Then on 26th, I attempted GS1 and 2 mock test. Then on 27th, GS3 and 4 like right. that because that's you have simulation. to yes you have I to think simulate your that's the purpose of mock test also the yes. idea of mock is like you're simulating the exam yes.

ठीक है आई लास्क डिफरेंट क्वेश्चन वट इज नॉट टू डू लिस्ट फॉर द फर्स्ट टाइमर्स फॉर द फर्स्ट टाइमर्स यू एडवाइज एम वॉट नॉट टू डू फोर मोस्ट थिंग जो मैंने पहले भी बोल चुका उसको रिहाइट्रेट करना चाहूंगा कि सोर्सेज के पीछे नहीं भागना है okay. अगर एक सोर्स सब टॉपर्स यूनिमसली बोल रहे हैं कि इट इज अ गुड सोर्स जस्ट गो विद इट ब्लाइंडली

पर एवरी वन डिफरेंट वे ऑफ टेलिंग थिंग हर एक का डिफरेंट तरीका बताएगा कि आप इस तरह से पढ़िए hmm. आप इस तरह से पढ़िए सबको फॉलो नहीं कर सकते तो सब लोग सही बता रहे हैं लग लग सब लोग अलग अलग तरीके से बता रहे हैं तो आप अपना फेथ किसी एक में पुट करिए और उसको एंड तक लेके ले जाइए अगर आपके मेंटर्स हैं एक या दो तो आप उनके साथ ही पूरा पूरा तक इंटरव्यू तक जाइए उनके साथ इंटरव्यू कैसा रहा था तुम्हारा माय इंटरव्यू वाज आई थिंक मतलब मुझे इंटरव्यू से निकलती तो ऐसा लगा कि माय इंटरव्यू वाज नॉट वेरी गुड उसमें क्वेश्चंस वर मोर ऑन द फैक्चुअल साइड Excellent. थोड़े हाँ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थोड़े सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन नहीं थे मेरे इंटरव्यू में सुमन शर्मा मैम का बोर्ड था मेरा एंड uh, मै आई वॉज ओनली एबल टू आंसर फिफ्टी टू सिक्सटी परसेंट ऑफ द क्वेश्चन तो मैं थोड़ा स्केप्टिकल भी था कि वे आई विल मेक द कट और विल क्वालिफाई द इंटरव्यू और नॉट जब मेरे मार्क्स है तो आई रियलाइज वन थिंग दट इन इंटरव्यू दे आर नॉट कंसर्ड विद हाउ मेनी क्वेश्चन यू आर आंसरिंग दे आर ओनली कंसर्न विदेशन दट यू आंसरिंग हाउ यू आर आंसरिंग दो क्वेश्चन और वो वो अपर टेम्परमेंट चेक करना चाह रहे हैं जैसे मैंने लाइन से चार क्वेश्चन बहुत फैक्ल क्वेश्चन सेट दट सॉरी मैम सॉरी सर आई डोट नो दंसर टू दिस क्वेश्चन एंड फिफ्थ क्वेश्चन जो एकदम डैफ से आया तो आई गव अ वेरी गुड आंसर टू दट क्वेश्चन स्टार्ट स्म सो दट वॉज अ हाई पॉइंट फॉर मी इवन स्पाइट द आफ्टर द लॉस दे जस्ट वॉन्ट टू पुट यू इन दट स्पॉट दे जस्ट वॉन्ट टू पुट यू इन टू प्रेसर दे डिलेटली आस् क्यू डिफिकल्ट क्वेश्चन

तो आंसर राइटिंग जैसे कि मैंने कहा इसको आप कप, इतना रेगुलसली मत ले। एक साल पहले स्टार्ट करें एंड ऑल्टरनेट यू कैन राइट वन आंसर जस्ट टू हैव अ बेसिक स्ट्रक्चर क्योंकि हम जब पहली बार लिखेंगे बहुत गंदा आंसर लिखेंगे एक पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखेंगे जो पूछा है वो नहीं लिख है कुछ भी लिख है जो सब्जेक्ट से रिलेटेड मालूम है बस उसको थोड़ा सा रिफाइन करना है

Into answering, writing regressively. Work <laughs> two worked out day huh? one itself, day and then, then itself. just beating yourself up if you're not writing very good answers on day one, hmm. day two, and even on day ten, hmm. it will not come immediately. No, it, it's a process. Yes, it's, a, it's process. a process. Yes, true, definitely. And anything else you want to add to that? Uh, अपार्ट फ्रॉम that मतलब इंटरव्यू के पहले मुझे भी ऐसी फीलिंग आई थी काफी ज़्यादा okay. मुझे लगा कि भाई डैफ तो करना ही करना है डेफ तो एक उसके अलावा एवरीथिंग अंडर द रॉक सडनली बिकम्स इम्पॉर्टेंट फॉर मी मेजर हाई पॉइंट फॉर मी बिफोर फिल्म मीस फॉर मुझे बहुत पता था कि मुझे क्या पढ़ना है hmm. और मेरे सोर्स पर जिसमें मैंने भरोसा कर लिया था उससे हटने वाला नहीं था बिकॉज और आपको चूज भी ऐसे करना चाहिए जस्ट सी पाई क्यू और आपको लग रहा है कि पीवा क्यू में अगर एक कोई टॉपिक पूछा है और उसके अराउंड सारा टॉपिक भी आपके नोट्स ने कवर कर रखा है देन इट इज अ गुड नोट और फिर आपको तो उसको अबैंड नहीं करना चाहिए बट इंटरव्यू के पहले आई फेल्ड और मैंने ट्रांसक्रिप्ट देखी मुझे लगा कि भाई कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्या हो रहा है मतलब तो so मैं थोड़ा घबरा गया था कुछ भी हो रहा, रहा, रहा है रहा मतलब मैंने कहा कुछ भी पूछ रहा आंसर इनको मुझे पता ही नहीं आंसर करेंट बहुत कुछ हो रहा है आई नो दर्स बट आफ्टर गिविंग द इंटरव्यू एंड आफ्टर माई फाइनल रिजल्ट आई कैन से दिस थिंग विद कॉन्फिडेंस दैट योर नॉलेज डज नॉट मैट एटलीस्ट इन इंटरव्यू टेम्परमेंट मैटर्स अलॉट योर डेफ नॉलेज डेफिनेटली इट मैटर्स करेंट अफेयर्स अपर्टन एक्सटेंट

some of them say it's like little overrated we can do it in the last moment also i don't want really to spend whole year studying current affairs so what's your take uh, according to me matlab prelims mere opinion method, uh, basic concept करंट uh, अफेयर में सब कुछ ना कुछ लगा रहे हैं सब कोई एलिमिनेशन कर रहा है, mm -hmm. कोई कुछ, ना कुछ सब कोई ट्रिक लगा रहा है all, 95%, no says, पूछ, मतलब पूछता है प्रीलिम्स में बेसिक कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन द ओनली प्रॉब्लम इज अबैंड हम सारा फोकस क्योंकि उसका वेटेज थोड़ा बढ़ गया बट फिर भी सिलेक्शन वहीं से हो रहा है मेजर मार्क्स मेजर चंक ऑफ मार्क्स आपके वहीं से आएंगे जोसिक क्वेश्चन

ऐसा अपनी हॉबी की तरह बना उस पर पढ़ना hmm. की मुझे कुछ नया सीखने को मिल रहा है डेली बस उसको hmm. सीखे और डोंट मेक नोट ऑफ डोंट मेक नोट्स आउट ऑफ इट एंड फॉर पर्टिकुलर सब्जेक्ट लाइक कोई भी मैक्सिम उसमें सेक्शन सॉर्टेड होते हैं Shibansh, you know

अगर कुछ भी अग्नि मिसाइल के बारे में आ रहा है मुझे पता ही नहीं किस टाइप की मिसाइल है क्या है क्या नहीं है मुझे कुछ पता ही नहीं बस पढ़े जा रहा हूँ मुझे याद भी नहीं रहा है कि मुझे लगे कि मैं मेहनत तो बहुत कर रहा हूँ पर जब मॉक टेस्ट दे रहा हूँ तो उसमें आंसर सही हो नहीं रहा है मेरा जबकि मेरे पढ़े हुए पार्ट में से क्वेश्चन आया था तो आई वुड एडवाइस न्यूज पेपर डे वन से स्टार्ट करें

कि आपको किस टॉपिक पे कर, मैगजीन में ज्यादा फोकस करना है है दो महीने प्रीलिम्स के लिए हाँ। क्या सजेशन दोगे जो पहली बार अपीयर कर रहे हैं पहली बार पहली चीज तो आप देखो को कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी कम नहीं रखना चाहिए कि मैं पहली बार दे रहा हूं जो कोई पांच दे रहा है उसके तो कितनी प्रिपरेशन हो रखी है हु. ऐसा कोई भी मतलब यूपीएससी ट्राइज टू लेवल द प्लेइंग फील्ड फॉर ऑल दी एस्पिरेंट्स देन आई वुड से कि uh, अपने अप इस टाइम पे कोई नया सोर्स ऐड करना मैं मैं रिकमेंड नहीं करूंगा जो भी आपने सोर्स अपने फाइनलाइज कर लिए हैं उसके अब फोकस करें कि उसके मैं टू से थ्री रिविजन इन दो महीने में कर लू थ्री रिविजन एटलीस्ट फुल एंड टू एंड उसके अलावा मॉक टेस्ट एवरी ऑल्टरनेट डे ट्राई एंड सॉल्व वन मॉक टेस्ट और मॉक टेस्ट के रिवर्स लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट मतलब इस इस एस्पेक्ट को बहुत से लोग छोड़ देते हैं वो क्या करते हैं टेस्ट देते हैं भूल जाते हैं मतलब मुझे लगता है कि अगर टेस्ट दिया और उसका सोल्यूशन नहीं पड़ा तो मैं उसको ना देने में करता करूँ हाँ। कि वो दिया ही नहीं मैंने क्योंकि मेरी नॉलेज में कोई इंक्रीमेंट ही नहीं हुआ जो पर्सन में कल था जो नॉलेज में कल थी वो एक्जैक्टली सेम नॉलेज मुझे True. आज है जो मुझे कल नहीं पता था मुझे आज भी नहीं पता है और एज अ मैटर फैक्ट मुझे ये भी नहीं पता कि मैंने गलत किया क्या था हो सकता है कुछ क्वेश्चन में सही कर दिया मैं ये सोच के कि आई एम डूइंग द राइट थिंग आई एम चूजिंग द राइट क्वेश्चन तो आप एक बार को अपने आठ से दस मॉक टेस्ट कम कर लो पर जो भी आप मॉक टेस्ट पढ़ रहे हो मेक इट अ रूल टू रिवाइज इट एज वेल आइदर ऑन द सेम डे और ऑन द नेक्स्ट डे

यू स्टार्ट टू रीड इन टू दैट माइंडसेट यू स्टार्ट टू रीड बिटवीन इन बिटवीन द लाइन जब आप तीन से चार बार देख लो पीवाई क्यूज तो आई कैनॉट अंडरस्टेंड द इम्पोर्टेंस ऑफ पीवा ओवर मॉक फॉर मी एनी डे अगर आपके पहले दस साल के पीवाईक्यूज देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर मॉक्स मैंने अपने टाइम में टोटल अराउंड थर्टी थार। फाइव मार्क्स किए थे एंड टेन पीवाईक्यूज सॉल्व किए थे उन थर्टी फाइव में अगेन मैं बोलना चाहूंगा कि सेक्शनल टेस्ट आर वेरी गुड फॉर इंप्रूविंग योर कंसेप्शल क्लैरिटी बिकॉज आजकल ऐसा हो गया कि सब यूपीएससी के पैटर्न को फॉलो करने के लिए फुल लेंथ टेस्ट में बहुत ज्यादा करंट अफेयर डाल देते हैं और एट टाइम्स इट इज नॉट इवन यूजफुल ऑल्सो पर जो सेक्शनल टेस्ट होते हैं उसमें आपके एकदम बेसिक्स टेस्ट कर सकते हाँ तो इवन इन द मॉक टेस्ट गिव मोर इंपॉर्टेंस टू सेक्शनल Test, Six, as compared to full length test that'll be that's a nice way to go about it mm -hmm. right thank you shivansh thank it you it was sir. a pleasure having you thank you sir in fact it was quite enlightening to listen to a lot of things a lot of the yes. myths you broke thank you sir. read newspapers don't make notes out of it that's a good one online that's a w wonderful thing don't that have you have too many sources Yes, don't have too many <laughs> sources limit your sources concentrate that's a good one so good thank you Shivaj. i'm sure others also would be enlightened yes, by your advice. at last i would like uh, just like to say one line yeah. ki, uh, just make it a goal to make this attempt count usually people think in yeah. attempt to try because they're there next attempt there's, attempt nothing, to to trial in there's life. nothing like trial that's why they go for too many sources make your this attempt count make your this attempt think that this is your final attempt what would you do would, if, if this was your last would. attempt then you would limit all your sources, remove all your clutter. You will okay. just go with only the thing that is required for the exam. Very good. That you have to take from the first attempt itself, in my opinion. Okay. And thank you for the not to do list, also. Thank, thank you, you Shivansh. I'm you sure so people enjoy that not to do list. Definitely. Thank you, Shivansh. Pleasure.